दोस्तों आज की वीडियो में आपको ग्रामीण भंडारण योजना के बारे में जानकारी देना चाह रहा हूं, जिसकी सहायता से आप लाखों रुपए प्रति महीना कमा सकते हैं, वो भी भारत सरकार की हेल्प से। तो आखिर ये वेयर हाउस या फिर ग्रामीण भंडार है क्या? तो ये वह व्यापारिक भवन होता है जहां सामान का भंडारण किया जाता है। और आज की वीडियो में हम नाबार्ड की वेयर हाउस स्कीम, जिसमें आप सरकारी सब्सिडी लेकर आसानी के साथ बिजनेस कर सकते हैं, इसके बारे में जानकारी देने वाले हैं। दोस्तों इस वीडियो से पहले हम आपको एक वेयर हाउस खोलकर कैसे बिजनेस करें, इसके बारे में एक वीडियो बना चुके हैं और उसमें हमने पूरी डिटेल में बताई है कि किस तरीके से आप इस बिज़नेस को उससे लाखों रुपए कमा सकते हैं। उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है। इस वीडियो को देखने के बाद उस वीडियो को ज़रूर देखें, जिससे कि आपको इस योजना के बाद ग्रामीण भंडार बनाकर उससे आप अलग अलग तरीके से बिजनेस कर सकते हैं। तो आज हम इस वीडियो में वेयर हाउस सरकार की हेल्प से कैसे खोलें, इसके बारे में जानकारी देने जा रहे हैं। इस योजना को दोस्तों जो नाबार्ड द्वारा चलाई जा रही है, उसे वेयर हाउस स्कीम या फिर रूरल गोडाउन स्कीम के नाम से भी जाना जाता है। और इस योजना दोस्तों मुख्य रूप से किसानों के लिए बनाई गई है। इस वीडियो में हम आपको क्या क्या कवर करेंगे, इसके बारे में पहले हम ब्रीफ में आपको बता देते हैं। सबसे पहले हम आपको बताएंगे ग्रामीण भंडारण योजना क्या है। दूसरे नंबर पर हम आपको बताने वाले हैं कि ग्रामीण भंडारण योजना का उद्देश्य क्या है। तीसरे नंबर पर हम आपको बताएंगे कि आखिर इस योजना का कौन कौन लाभ ले सकता है। चौथे नंबर पर हम आपको बताएंगे इस योजना का लाभ लेने के लिए ज़रूरी इंतजाम क्या क्या करने पड़ते हैं। और पाँचवें नंबर पर आपको बताएंगे कि योजना के तहत कितना ऋण या फिर सब्सिडी मिलती है। तो ऐसे ही अनेक पॉइंट पर हम आपसे बात करने वाले हैं ग्रामीण भंडारण योजना के बारे में। और अधिक जानकारी के लिए आप वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखें। चलिए फिर शुरुआत करते हैं। घर बैठे पैसे कमाने के टिप्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि जब भी हम नया वीडियो अपलोड करेंगे आपको सबसे पहले जानकारी प्राप्त हो जाएगी। तो पहले नंबर पर बात कर लेते हैं कि ग्रामीण भंडारण योजना क्या है। दोस्तों ग्रामीण भंडारण योजना केंद्र द्वारा संचालित योजना है और इस योजना का मुख्य उद्देश्य कृषि उत्पादों के भंडारण के लिए गोदाम निर्माण के लिए ऋण प्रदान करना है। दोस्तों इस योजना को सन 2001 और 2 में शुरू किया गया था और किसानों को उनकी उपज का हर समय उचित भाव नहीं मिलता है। कई बार तो उन्हें कम कीमत पर ही फसल को बेचना पड़ता है, क्योंकि उनके पास फसल के भंडारण की भी व्यवस्था नहीं होती है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार द्वारा ग्रामीण भंडारण योजना का निर्माण किया गया है। इस योजना के तहत सरकार द्वारा भंडारण बनाने के लिए किसान को ऋण दिया जाता है और ऋण के साथ साथ सरकार द्वारा सब्सिडी भी दी जाएगी। तो दोस्तों अब आगे इस भारत सरकार की योजना के बारे में और अधिक जानकारी ले लेते हैं। दूसरे नंबर पर बात करते हैं दोस्तों कि ग्रामीण भंडारण योजना का उद्देश्य क्या है। तो उद्देश्य इसके मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो ग्रामीण क्षेत्रों में वैज्ञानिक भंडारण क्षमता का निर्माण कराना होता है। इस योजना के अनुसार फसल कटाई के तत्काल बाद फसल बेचने की किसानों की मजबूरी को समाप्त करना है। इस योजना के तहत गोदाम बनाने के लिए ऋण प्रदान करना है और ऋण के साथ साथ दोस्तों किसानों को सब्सिडी प्रदान करना है। तो इस तरीके से ये 4 से 5 उद्देश्य हैं जिनको पूरा करने के लिए भारत सरकार ने 2001 में ग्रामीण भंडारण योजना को स्टार्ट किया था। अब बात कर लेते हैं कि इस योजना का कौन कौन लाभ ले सकता है या फिर कौन कौन योग्य है और पात्रता की क्या क्या शर्तें हैं। तो व्यक्तियों, किसानों, कृषक उत्पादक समूहों, प्रतिष्ठानों, गैर सरकारी संगठनों, स्वयं सहायता समूह, कंपनियों, निगमों, सहकारी संगठनों, ये सब इस योजना से लाभ लेने के लिए पात्र हैं। तो अगर आप किसान हैं तो आसानी के साथ ये योजना का लाभ ले सकते हैं। बात कर लेते हैं ग्रामीण भंडारण योजना के लिए ज़रूरी इंतजाम क्या क्या करने पड़ेंगे। तो इस योजना के तहत आवेदक के पास खुद की ज़मीन होना आवश्यक है, साथ ही आवेदक को इसके तहत की सभी जरूरी कार्रवाई को पूरा करना होगा। इस योजना के अंतर्गत भंडारण कृषि उपज के अनुरूप होना चाहिए। PDF की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है दोस्तों, उसमें और अधिक जानकारी है। जैसे कि योजना के तहत न्यूनतम क्षमता 25 मैट्रिक टन होती है और अधिकतम क्षमता लगभग 10,000 मैट्रिक टन होती है, कि इतना आपको अनाज रखने के लिए आपको भंडारण बनाना होगा। साथ में ही दोस्तों इसमें कुछ ऐसी शर्तें दी हैं, जैसे कि गोदाम की ऊंचाई 4 से 5 मीटर से कम नहीं होनी चाहिए। साथ में ही दूसरी जो ज़रूरी इंतजाम है कि गोदाम की क्षमता का निर्णय आवेदक पर निर्भर है कि कितना बड़ा और कितना छोटा वो बनाना चाहता है।
गोदाम इस योजना में दिए गए सभी मानदंडों पर खरा उतरना चाहिए। कृषि उपज के भंडारण के लिए उपयुक्त होना चाहिए, मतलब जो भी आपकी कृषि उपज है बस उसी का आपको भंडारण करना होगा। इस योजना के अंतर्गत आवेदक को गोदाम के लिए लाइसेंस लेना आवश्यक है। 1000 टन या इससे अधिक क्षमता वाले गोदाम केंद्रीय भंडारण निगम से मान्यता प्राप्त होने चाहिए। दोस्तों, अगर आपको और अधिक जानकारी लेना है नाबार्ड से संबंधित इस योजना की, तो आप नज़दीकी नाबार्ड संस्था के पास जा सकते हैं या फिर किसी बैंक से भी ले सकते हैं जो नाबार्ड संस्था के संबंधित लोन प्रोवाइड करते हैं। बात कर लेते हैं दोस्तों, इस योजना की सब्सिडी और लोन कितना मिलता है। तो इस योजना के अंतर्गत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजातियों, उद्यमियों और इन समुदायों से संबंधित सहकारी संगठनों, पूर्वोत्तर राज्यों, पर्वतीय क्षेत्रों में स्थित परियोजनाओं के मामले में परियोजना की पूंजी लागत का लगभग 33% सब्सिडी के रूप में दिया जाएगा और जिसकी अधिकतम सीमा 3 करोड़ होगी। मतलब 33% आप सब्सिडी ले सकते हैं दोस्तों। ये लोग किसानों की सभी श्रेणियों, कृषि स्नातकों, सहकारी संगठनों से संबंधित परियोजनाओं की पूंजी लागत का 25% सब्सिडी इन लोगों को मिलेगी और अगर पैसे में बात करें तो लगभग 2.25 करोड़ रुपये होगी। अन्य जितनी भी श्रेणियां हैं दोस्तों, वो 15% तक सब्सिडी मिलेगी और अधिकतम सीमा 1.35 करोड़ रुपए है। तो इस कार्यक्रम के अंतर्गत दोस्तों अगर देखा जाए तो 15 से 33% तक आपको सब्सिडी मिल सकती है। ये अलग अलग स्कीम में अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से दी जाएगी। बात कर लेते हैं दोस्तों कि 1000 टन क्षमता तक के गोदामों के लिए ऋण प्रदान करने वाले बैंक द्वारा मूल्यांकित परियोजना लागत या वास्तविक लागत या रुपये 3500 प्रति टन भंडारण क्षमता की दर से आने वाली लागत, इनमें जो भी कम हो वो दिया जाएगा। और अगर 1000 टन से अधिक है तो 1500 रुपये प्रति टन की दर से लागत आएगी। तो इस तरीके से ये जितनी भी जानकारी मैं आपको दे रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस लिंक में जानकारी पूरी दी गई है। तो इस तरह से आपने इस वीडियो में भारत सरकार की हेल्प से कैसे आप बियर हाउस खोल सकते हैं इसके बारे में जानकारी दी है हमने। और अधिक जानकारी के लिए मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इस योजना की लिंक दी है दोस्तों, उस लिंक को पढ़ें और उस लिंक में दी गई जानकारियों को एकत्रित करके आपके नज़दीकी नाबार्ड संस्था में जाएं, वहां पर और अधिक जानकारी लें या फिर जो नाबार्ड से संबंधित लोन देते हैं बैंक, उन बैंक में जाकर भी जानकारी ले सकते हैं। वेयर हाउस खोल कर आप इसी तरह की बिजनेस करके लाखों रुपये कमा सकते हैं और किस तरीके से और कितने तरीके के आप बिजनेस कर सकते हैं, वैसी वीडियो मैंने एक बनाई है, उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है, उस वीडियो को भी आप जरूर देखें। और इस तरीके से अगर दोस्तों तो ये वीडियो आपको थोड़ी भी जानकारी वाली लगी है तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, क्योंकि आपका लाइक ही हमें बताता है कि हमने वीडियो किस तरीके का बनाया है। कुछ भी अगर पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट करें, मेरा मोबाइल नंबर व्हाट्सएप दिया है, आप व्हाट्सएप करें। और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाएं, क्योंकि इसी तरह की वीडियो हम डेली अपलोड करते रहते हैं। इस वीडियो को पूरा अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कल एक फिर एक नए वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। घर बैठे पैसे कमाने के टिप्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि जब भी हम नया वीडियो अपलोड करेंगे आपको सबसे पहले जानकारी प्राप्त हो जाएगी।